नतमस्तक होकर और खासकर हमारे इसरो के साइंटिस्ट को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि उनकी ये सफलता पूर्व रूप से पूर्ण हुई और हम चांद पे पहुंचे हैं अभी हम मैं अपने एक्टिंग स्कूल में अपने सारे स्टाफ के हाथ बैठा था मैंने इतना उल्लास हर उम्र के लोगों में कभी नहीं देखा है आ, ये कोई क्रिकेट मैच का नहीं था कोई हॉकी मैच का नहीं था कोई किसी के खास मैच का नहीं इसका उल्लास और इसका इसका जो ए, ए, एक एक्साइटमेंट थी वो बहुत बहुत ज़बरदस्त थी इट्स हमारे हम सिर्फ छिहत्तर साल पुराने देश हैं या छिहत्तर साल नए देश हैं और इन छिहत्तर सालों में हम चांद पर पहुँच गए हैं ये मतलब ये जो एक अचीवमेंट है इसका कोई सानी नहीं है और मेरे जीवन काल में ऐसा हुआ है ये एक हिस्ट्री है आज मैं ये झंडा भारत का तिरंगा हाथ में लेकर खड़ा हूँ आज से सौ साल बाद पहले बाद लोग कहेंगे कि अरे ये थे यहाँ पर और उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला था ये चांद पे पहुँचने का भारत की ऐतिहासिक जीत का इसका जो श्रेय है ये सारे 140 करोड़ भारतवासियों जो हिंदुस्तान में रहते हैं और ना जाने कितने करोड़ भारतवासी जो विदेशों में रहते हैं आज सबका नतमस्तक जो सबका जो मस्तक है वो ऊपर हो गया होगा कैन यू इमेजन ए पर्सन एन इंडियन वॉकिंग एनी इन द वर्ल्ड टुडे एंड एवरीबडी एल्स लुकिंग एट हिम कि वाह ये जा रहा है वो भारतवासी ये जा रहा है वो हिंदुस्तानी जिसका मुल्क हम अकेले पहले देश हैं जो साउथ uh, में लैंड किए हैं तो वी आर द फर्स्ट पीपल हु लैंडेड देयर आई एम वेरी इमोशनल आई एम वेरी मूव्ड जब ये हुआ आज से अभी से थोड़ी देर पहले दस दस पंद्रह मिनट मन पहले तो तब तो मेरी आंखों में आंसू थे अभी मैं अपने आप को ज़रा रोकने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक ऑफिशियल माइक के सामने हूँ बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे